क्या आपने कभी एक ऐसे जल स्रोत के बारे में सुना है जो कभी भी नहीं सूखता है? यदि नहीं सुना है तो आज की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इसी विषय पर। यह एक ऐसा जल स्रोत है जो कि कभी भी सूखता नहीं है, चाहे कितनी ही भीषण गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही प्रचंड गर्मी क्यों ना पड़ जाए, पर यह जल स्रोत अपनी जलधारा कभी भी नहीं सूखता। जी हाँ, यह जलधारा मानगढ़ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर स्थित सिक्कन गांव में मौजूद है और इस जलधारा के पीछे एक पौराणिक कथा भी सम्मिलित है। उस कथा के अनुसार मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या कारण है कि इस जगह पर इस जलधारा का प्राकट्य हुआ। प्राचीन समय की बात है, इस गांव में भीषण गर्मी के कारण आसपास के सारे जल स्रोत सूखने लग गए और यहां तक कि मनुष्यों और पशुओं को भी जल की एक भी बूंद प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके कारण यहां के लोगों का जीवन और रहन बसेर मुश्किल में पड़ गया। इस विपत्ति से निकलने के लिए यहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चूड़धार जाकर जो है भगवान श्रीगुरु महाराज से ये प्रार्थना की कि उसके गांव के आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी के कारण सूखा पड़ चुका है और इस समस्या के निदान के लिए उसने श्रीगुरु महाराज से ये प्रार्थना की कि वह इस समस्या से इस ग्रामीण क्षेत्र को छुटकारा दिलाएं। उस समय उस मंदिर में एक दिव्य महात्मा मौजूद थे। उन्होंने अपने तप के बल से उस वृद्ध व्यक्ति को एक अभिमंत्रित करके जल का एक लोकी उसे दे दी और ये कहा कि वह जाकर उस स्थान पर इस लोकी के मुख को खोले जहां उसे जल की आवश्यकता होगी। परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। वह वृद्ध व्यक्ति जैसे ही इस स्थान पर पहुंचा, उसके शरीर ने आराम करने की इच्छा व्यक्त की और वह जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस व्यक्ति के मन में अब बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। प्रश्न यह भी थे, क्या वास्तव में वो सिद्ध महात्मा इतने पहुँचे हुए थे कि वह जो है कहीं पर भी जलधारा उत्पन्न कर सकते हैं, और बहुत से सवाल भी थे। पर अभी उसका गांव काफ़ी दूरी पर था, पर फिर भी वह यह देखना चाहता था क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि जहां जल की आवश्यकता हो वहां पर इस अभिमंत्रित जल से जो है वो जल प्राप्त किया जा सकता है। इसी इच्छा से उसने उस अभिमंत्रित जल को इसी जगह पर छोड़ दिया और जैसे ही उसने उस जल को छोड़ा, उसके जल छोड़ते ही एक सांप जो है उस लोकी में से निकला और वह इस स्थान पर अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही उसके स्थान पर यह जलधारा उत्पन्न हो गई। देखते ही देखते यह जलधारा पूरे क्षेत्र में फैल गई और आज भी इसी जलधारा से इस पूरे क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। तो है ना रोचक कहानी? यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इनक्रेडिबल इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान।